नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 वैसे शेयर जो कि आपको 100 रुपीज से कम प्राइस पे मिल रहे हैं। तो अभी जो हमारा स्टॉक मार्केट करेक्ट हुआ है, स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई है, तो ऐसे में बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि अपने फेयर वैल्यू से बहुत ही चीप वैल्यू पर मिल रहे हैं, अपने फेयर वैल्यू से भी नीचे मिल रहे हैं। तो वैसे 10 शेयर की बात करेंगे जिसमें से कई शेयर आपको आगे चलकर एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं वैसे 10 शेयर का जो को आगे चल करके एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, कि इनमें से कौन से शेयर में आपको इन्वेस्ट करनी है। बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हमें वैसे शेयर बताइए जो कि थोड़े सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं और हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मतलब वैसे व्यक्ति जो मिडिल क्लास से आते हैं, उन्होंने पूछा था कि कुछ सस्ते शेयर बताइए जिससे कि हम भी इन्वेस्ट कर सकें, जो छोटे मतलब रिटेल इन्वेस्टर में से जो छोटे निवेशक हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज एक टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर से, जो कि है हमारा टाटा मोटर्स। तो दोस्तों ये टाटा ग्रुप का शेयर है जो कि देख सकते हैं आप, एक समय ये हमारा देख सकते हैं कितने रुपए का था, 559 रुपीज़ का। आज ये शेयर आपको मिल रहा है मात्र 73 रुपीज़ का। और थोड़ा सा आप इस पे अगर वॉच लिस्ट में लगा लेते हैं और थोड़ा सा इसको वॉच करते हैं तो ये आपको 65 रुपीज़ के आसपास भी मिल सकते हैं, अगर थोड़ा सा और करेक्शन आता है मार्केट में। तो ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है क्योंकि ये टाटा ग्रुप का शेयर है। अभी बिजनेस जो है वो पूरी तरह से लॉकडाउन है, मतलब लॉकडाउन की वजह से बिजनेस भी लॉकडाउन है, बिजनेस भी बंद है। तो ऐसे में ये शेयर इतना करेक्ट होकर के आ चुका है, नहीं तो ये शेयर हमारा 200 के आसपास हुआ करता था। देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं अक्टूबर 2018 में ये 255 रुपीज़ का था। तो ये बहुत ही अच्छा शेयर है, ये टाटा ग्रुप का शेयर है। अभी आप देख सकते हैं कि एक मंथ में कितना डाउन है, तो एक मंथ में आप देख सकते हैं ये हमारा पहले कितना था, 82 रुपीज़ का। अभी ये आप देख सकते हैं लोवेस्ट क्या है, 65 रुपीज़। तो ये टाटा ग्रुप का पहला शेयर था टाटा मोटर्स। आपको थोड़ा इसमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसको जो बिजनेस शुरू होगा, फिर जो ये अपने नॉर्मल रूप में आएगा, तब जाके इसमें आपको मूवमेंट आगे देखने मिलेगा। तो इसलिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, तब आपको कुछ अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो ये जो टाटा ग्रुप का शेयर है, अगर ये फिर अच्छी रिकवरी करता है, नॉर्मल रूप से जैसे बिजनेस चलता है उस तरह से चलने लगता है, तो फिर ये आपको 200 के आसपास दिखेगा। तो टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का शेयर है जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आप इसमें जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि अभी ऑटो सेक्टर पूरी तरह से बंद है, इसको नॉर्मल रूप में आने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि अब जो हमारा रिसेशन आ रहा है, मंदी आ रही है, मंदी से उबरने में हर कंपनी को कुछ वक्त लगेगा। चलिए, तो दूसरा शेयर है हमारा मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड। देख सकते हैं ये भी हमारा ऑटो सेक्टर का ही शेयर है। इसका जो है पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, आप यूरोपियन कंट्री में इसका बिजनेस अधिकतर देखने मिलेगा। और ये करता क्या है, तो जो रेयर व्यू मिरर है वो बनाता है, जो ग्लासेस हैं जो हमारे कार के उसको बनाता है। तो ये बहुत ही अच्छा शेयर है और ये बहुत ही ज़्यादा बोनस देने वाली कंपनी है, ऑटो सेक्टर का सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली कंपनियों में से एक है। और इसका भी आप 52 वीक हाई देखेंगे तो देख लीजिए, 162 रुपीज़ का था ये शेयर, अभी आपको मिल रहा है मात्र 71 रुपीज़ में। और थोड़ा सा ये लोवेस्ट भी अपने आ चुका है, देख 48 रुपीज़ में, जस्ट ये हमारा वन मंथ पहले, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये तो 23 मार्च के आसपास, और उसके फिर आप देख सकते हैं 3 अप्रैल के आसपास ये 50 रुपये के आसपास हुआ करता था। तो ये भी शेयर बहुत ही अच्छा है, एक MNC कंपनीज है, तो आप इस शेयर में भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे है आज के ही दिन, ये 12% से मतलब अप मूव किया है, मतलब 8 रुपीज़ से, मतलब 8 पॉइंट से मूव किया है। तो उससे पहले भी ये कितना पे था, 63 रुपीज़ पे। तो इस शेयर में भी आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा शेयर है, लेकिन आपको थोड़ा रिसर्च कर लेना है। आगे भी हम इसके फंडामेंटल रिसर्च को अलग अलग वीडियो में डालेंगे, जितने भी स्टॉक्स बता रहे हैं सबके अलग अलग वीडियो बनाएंगे फंडामेंटल रिसर्च का, किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्राइस पे करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर ये सब जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो डालते हैं आगे तो आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाए।
तो उसके बाद है हमारा तीसरा शेयर, वो है अशोक लेलैंड। दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री का ये लीडिंग शेयर है। आप जो बड़े बड़े बस देखते होंगे आप अशोक लेलैंड के देखने मिलेंगे आपको। तो देख सकते हैं ये 46 रुपीज़ का, ये भी देख सकते हैं 52 वीक हाई कितना है 97 रुपीज़ का, और 52 वीक लो कितना है 33 रुपीज़ का। तो ये भी हमारा ऑटो सेक्टर का लीडिंग शेयर है, और ये आपको जितने भी बसेस हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसमें आपको अशोक लेलैंड देखने मिल जाएंगे। तो ये भी हमारा ऑटो सेक्टर का एक लीडिंग शेयर है, जो कि अभी ऑटो इंडस्ट्री 2 साल से डाउन चल रहा है, तो इसलिए आपको ये शेयर सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं। तो आप अशोक लेलैंड में मतलब अपना स्टेक ले सकते हैं, मतलब अशोक लेलैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा शेयर है हमारा वो है ट्रीडेंट, देख सकते हैं ट्रीडेंट। ये मात्र शेयर अभी मिल रहा है आपको 5.45 रुपीज़, देख सकते हैं 52 वीक लो जो बनाया है 3.05 रुपीज़ का, और 52 वीक हाई जो है इसका 8.40 रुपीज़ का। और ये आपको ये देख सकते हैं 5 रुपीज़ का इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये 60 रुपीज़ का हुआ करता था, लेकिन ये 1:10 का बोनस दिया, 10 का बोनस दिया, जिससे इसका जो बोनस जो दिया 1:10 का, उस रूप में ये स्प्लिट हो गया, उस रूप में ये स्प्लिट होकर के आपको अभी 5.45 रुपीज़ का मिल रहा है। तो इस शेयर में आप अच्छे मौका देख करके, अच्छे समय देख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका देख सकते हैं मैक्सिमम प्राइस 10 रुपीज़ तक गया है, और ये लगातार बोनस देने वाली कंपनी, ये भी कंपनियां लगातार बोनस देते रही है। चलिए तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शेयर है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक, ये भी बहुत ही अच्छा शेयर है। आप देख सकते हैं ईयर टिल डेट में आप देख लीजिए यहाँ पर ये कितने रुपीज़ का हुआ करता था, 45 रुपीज़। वन ईयर में आप देख लीजिए, ये देखिए 50 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी आपको सिर्फ मिल रहा है कितना 22.75 रुपीज़। ये भी बहुत ही अच्छा क्वार्टर रिजल्ट अपना डिक्लेयर किया था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में थोड़ा रिजल्ट डाउन रहेगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक ये भी बहुत ही अच्छा शेयर है, आप इस पर भी थोड़ा फंडामेंटली रिसर्च कर लेंगे तब जाकर आप इन्वेस्ट करेंगे। और जो प्राइस मिल रहा है अभी सारे शेयर का प्राइस बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्टिव प्राइस है, और जिसे मार्केट करेक्ट होता है, मार्केट जैसे गिरावट आती है तो और भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस पर ये मिल सकता है। चलिए 5 ईयर्स का चार्ट देख लेते हैं, तो देखते हैं मैक्सिमम ये 80 रुपीज़ तक गया है 2016 में, उसके बाद मैक्सिमम ईयर करते हैं तो ये 2016 ही इसका मैक्सिमम प्राइस है। तो अच्छे प्राइस एट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि ये भी बैंक बहुत अच्छा रिजल्ट अपना क्वार्टर रिजल्ट, पिछला क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर किया था। उसके बाद आता है हमारा बंधन बैंक, बंधन बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है। ये जो माइक्रो स्केल पर जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो है बंधन बैंक, जो माइक्रो बिजनेस होते हैं उसको ये लोन प्रोवाइड करता है, जो छोटे छोटे डेली वर्कर्स होते हैं उनको ये लोन देता है बंधन बैंक। ये बंधन बैंक आप देख सकते हैं 52 भी कहा है कितना है 650, लेकिन इस बंधन बैंक का अभी जो टारगेट दिया गया है वो है 65 रुपीज़ दिया गया है, सबने टारगेट इसका जो दिया है 65 रुपीज़, कि ये निचले स्तर अपना 65 रुपीज़ पर आ सकता है। तो आप इसमें देख लेंगे कि ये आपको अगर 65 रुपीज़ पे आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे। तो जैसे ये 65 रुपीज़ पे आता है इसका इंतज़ार करेंगे, जैसे जैसे इसका बिजनेस ठप है, अभी लॉकडाउन के कारण सारी कंपनियों जो बंद है, किसी का भी काम काज नहीं चल रहा है, तो वैसे बंधन बैंक जो डेली वर्कर है उसे देता है, तो वो तो अभी काम कर नहीं रहे हैं, तो वो बहुत सारे जो इनके लोन लेने वाले हैं वो क्रेडिट डिफॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रो लेवल पर छोटे छोटे वर्कर को, छोटे छोटे उद्योग को लोन देते हैं तो वो सारा डिफॉल्ट कर सकते हैं अभी। तो इसमें आपको और नीचे करेक्शन देखने मिलेगा, 52 वीक लो देख सकते हैं 152.20 रुपीज़ तक आ चुका है, तो ये आपको निश्चित ही 100 रुपया या 100 के नीचे देखने मिल जाएगा, तो उस तब जा करके आप बंधन बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा शेयर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से जैसे आप इसमें लेते हैं तो 2-3 साल में जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है तो धीरे धीरे 2-3 साल में ये फिर से अपने पिछले जो पीक है वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। तो चलिए ये था हमारा बंधन बैंक, अब अगले शेयर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, दोस्तों जो इंडियन स्टेट बैंक है SBI के बाद जो दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे अच्छा शेयर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 52 वीक हाई देखिएगा तो देख सकते हैं 144 रुपीज़ हुआ करता था, अभी ये आपको मात्र मिल रहा है 46 रुपीज़ में। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये अच्छे शेयर हैं, ये शेयर आपको आगे चल करके कुछ रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक्स है वो आपको बहुत ही कम रिटर्न देंगे,
ज़्यादातर ये डिविडेंड दिया करते हैं, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है, जो गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर, इसमें बहुत सारे डिफॉल्ट देखने मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इसमें लगता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आगे चल के अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको कुछ अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, जैसे 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ तक ये आपको, जब आप 1 ईयर 2 ईयर वेट करते हैं तो ये आपको रिटर्न दे सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शेयर पे, लेकिन अच्छा होगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले हमने जितने शेयर बताए, जैसे बंधन बैंक, IDFC बैंक, उसके बाद ट्रीडेंट, अशोक लेलैंड, मदरसन, सुमी, टाटा मोटर्स, इन सब शेयरों में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आते हैं हमारा स्पाइस जेट भी बहुत ही, मतलब बिजनेस इसका अच्छा है, लेकिन बिजनेस जो अभी इनका चल रहा है डाउन चल रहा है। अभी एविएशन सेक्टर हमारा पूरी तरह से ठप है और आगे भी रहने वाली है, और ये कंपनियां कर्ज में भी दबी हुई है। तो इसलिए इन शेयर में अगर ये अर्निंग अच्छी करती है, अपने डेब्ट को कम करती है, तब जा कर के आपको ये अच्छे रिटर्न दे सकती है। लेकिन प्राइस भी इसका 52 वीक लो देखेगा 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ 65 पैसे। तो जब अपने ये 52 वीक लो पे आता है, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये कंपनियां डेब्ट है, मतलब इस कंपनियों के ऊपर कर्ज है, तो जब ये अर्निंग करती है अच्छे, अपने डेब्ट को कम करती है, तभी ये आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगी। लेकिन स्टॉक्स अच्छा है, एविएशन सेक्टर का दूसरा लीडिंग स्टॉक्स है, मतलब जो इंटर ग्लोबल एविएशन है उसके बाद। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, देख सकते हैं, वकरांगी लिमिटेड। दोस्तों वकरांगी में कई सारी निगेटिव न्यूज़ आई, नहीं तो ये स्टॉक्स जो है बहुत ही 400 का हुआ करता था। जो निगेटिव न्यूज़ है उसके कारण वकरांगी आपको इतने सस्ते प्राइस पर मिल रहा है, नहीं तो ये 400 रुपीज़ का हुआ करता था। तो जो वकरांगी, ये इसके क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए थे, लेकिन इसके कई निगेटिव न्यूज़ ने इस शेयर को 400 से ला करके 20 रुपीज़ पे ला दिया। तो अगर ये कंपनी लगातार अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो आप इसका थोड़ा फंडामेंटल रिसर्च कर लें और थोड़ा सलाह ले लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्राइस होना चाहिए, अभी मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 17 रुपीज़ अपना 52 वीक लो बनाया है, तो आप 20 रुपीज़ के नीचे आते हैं तब आप इससे ले सकते हैं। लेकिन इन सारे स्टॉक्स से थोड़ी सावधान ही रहें, क्योंकि ये स्टॉक्स कई बार निगेटिव न्यूज़ के चलते बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे को डुबो चुका है। अगला हमारा स्टॉक्स है वो है एस बैंक। दोस्तों एस बैंक देख सकते हैं, एस बैंक जो है कभी हमारा 200 से ऊपर, मतलब 300 के आसपास हुआ करता था, देख सकते हैं 52 वीक हाई, और अभी ये लो बना चुका है 5 रुपीज़ तक का, और ये जो कई इन्वेस्टर के पैसे को डुबो चुका है। लेकिन अभी जो यस बैंक का न्यूज़ आया है, इसमें जो SBI है अपना स्टेक ले रही है, और जो LIC इसमें इन्वेस्ट कर रही है, तब जा कर के ये संभला है। तो यस बैंक अगर संभल जाता तो ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन आपको इस प्राइस पे नहीं लेना। अभी जो लगातार मार्केट में करेक्शन हो रहा है, तो आपको इसका वेट करना है, जैसे नीचे के प्राइस में आता है तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सलाह है कि आप जो शुरू के हमने 6 स्टॉक्स बताए थे आपको, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, अशोक लेलैंड, ट्रीडेंट्स, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इधर जो हमने बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्पाइस जेड, वकरांगी, यस बैंक, ये सारे स्टॉक्स कई, मतलब इन्वेस्टर्स के पैसे को डुबो चुका है। तो इसलिए इन सब स्टॉक से थोड़ा आप सतर्क रहें और थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। लेकिन जबकि टाटा मोटर्स ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, मदरसन सुमी, अशोक लेलैंड, ट्रीडेंट्स, IDFC फर्स्ट बैंक, ये जो हमारे शुरू के 5 स्टॉक्स 6 स्टॉक्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए हम आपको टेबल में दिखा देते हैं, हमने जो यहाँ लिख के रखा है कि जो हमारे शेयर्स हैं, पहला हो गया आपको टाटा मोटर्स, दूसरा हो गया मदरसन सुमी, तीसरा हो गया आपको अशोक लेलैंड, चौथा हो गया ट्रीडेंट्स, और पांचवा हो गया हमारा IDFC फर्स्ट बैंक, छठा हो गया हमारा बंधन बैंक। हम इन 6 स्टॉक्स में आपको सलाह देंगे कि इसी 6 स्टॉक्स में जो स्टॉक आपको अच्छे प्राइस पर मिले उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक्स आपको लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो थोड़ा फंडामेंटल रिसर्च कर लेना, आगे हम इसका अलग अलग वीडियो में फंडामेंटल रिसर्च करेंगे और आपको बताएंगे
कि कौन सा स्टॉक आपको मल्टी बेगा रिटर्न दे सकता है और किस प्राइस पे आपको लेना चाहिए। मतलब फंडामेंटल रिसर्च के साथ साथ हम टेक्निकल रिसर्च भी करेंगे किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए जिससे कि आपको एक मल्टी बेगा रिटर्न दे सकते हैं। तो ये छः स्टॉक्स पे हम बात करेंगे और ये छः चार स्टॉक जो नीचे इसमें बात करेंगे, अभी स्टेक ना लें, इसको वेट एंड वॉच करें। जैसे यस बैंक है, अगर संभल जाता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वक्रांगी भी अच्छा स्टॉक है, अच्छे रिजल्ट दिए हैं। स्पाइसजेट पूरी तरह से कर्ज में दबा हुआ है, तो कर्ज जैसे इसका डेप्ट कम होता है तब ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। साथ साथ इसका बिजनेस चालू होने में भी अभी वक्त लगेगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादातर आपको अच्छे रिटर्न नहीं देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आप 100 रुपीज़ से कम प्राइस के जो बार बार स्टॉक्स पूछ रहे थे उसके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा।